एक बार फिर से भाई सभी भाइयों का चैनल पे स्वागत है। यार अभी अभी मैं अपनी इस बालकनी में आया था और मेरी नजर इस पे गई, यहाँ पे ये देखो दो कबूतर उड़ रखे। एक कबूतर तो इस भाई को हिल रखा, मतलब इसकी छत पे हिल रखा है, और एक जो कबूतर इसने उड़ा रखा है, नया कबूतर उड़ा रखा है, कलर लगा हुआ। सामने की तरफ सफेद कबूतर है ना, जो इसको पिंक पिंक कलर लग रखा है। दोपहर के टाइम उड़ा था जब सब लोग अपने कबूतर वगैरह बंद कर देते हैं, इंजा टेक्निक है कबूतर हिलाने की, हमारे कबूतर खुले हुए हैं तो कर रहा ऊपर जाके थोड़े कबूतर फड़का दूं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमारी किस्मत में होगी ऊपर तो हम 10 कबूतर खुल रखे ऐसे ही बैठ जाएंगे, हम वेट करते हैं। अगर बैठ गए तो ऊपर जाकर पकड़ लेंगे, यहाँ से ही नीचे हो जाएंगे। लो मेरे हिसाब से तो ये ऐसे ही बैठ जाएंगे। तुम करवाओगे इतनी धूप में मेरे को ऊपर भेजवा के रहोगे? नहीं नहीं ये देख ये घूम रहे, अभी तो यहीं पे घूम रहे। ये आज हमें बहुत तगड़ी हाइट के लिए भी जाना है, तेज के साथ लग रखी है, चैलेंज किया था हमने, फिर हमने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। आज उसके डॉग को प्लॉट के पास लेके चलना है भाई। अब है ना ये कबूतर बिल्कुल नीचे नीचे हो गए, या तो अब ये यहाँ पे बैठेंगे या पर अपनी छत पे आके बैठेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है उसी भाई की छत पे बैठेंगे ये, उसने अपना नया कबूतर उड़ा रखे तो छत पे मिलेगा। तो अपनी तरफ आगे 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 नहीं यार छोड़ दो यार, बहुत ज्यादा धूप हो रखी है। लिया 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 है ऊपर लिया, आराम आराम से लिया, मदद कर यार इसकी, लेके आ जाएगा। एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी, जैसा कि आप सबको पता है बहुत तेज तूफान आया था, सब कुछ जो यहाँ पे जाल वगैरह टंकी वगैरह रख रखी थी सारी की सारी उड़ गई। जाल भी हमारा हमें नीचे मिला जब हम आए ना यहाँ पे, नीचे गिरा हुआ था वहाँ, एक बार टूट तो नहीं गया कहीं से, तो खैर कुछ हुआ नहीं, खैर इतना सही है, नीचे से टूट गई अभी है ना। एक दिक्कत ये हो गई है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये जाल मंगवा ले, जल्दी जल्दी मंगवा ले, जितनी जल्दी हो उसके। हमारा ये जो जाल है इसका वेट करीबन करीबन 10 से 12 किलो वजन है इसका। हाँ पे इसके ऊपर रखा, क्या हो गया, आराम आराम से लेकर आओ, नीचे मत गिर जियो, सीढ़ी अगर टूटी ना सीधे जाबड़ा लगेगा नीचे जाके। कितनी तेज आवाज चली होगी, ये इसके अंदर फंस रखा था, जब भी उड़ के ऊपर से नीचे गिरा जा गई तो नुकसान हुआ तेरी मुझे। यार मेरी क्या गलती है नीतीश, एक बात बता, जानबूझ का करा है यार। आपको बताता हूँ क्या बात हो रखी, एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वैसे तो हम अपने जो बच्चे थे छतरी पे हमने लगाए थे, 3 दिन था आज उनको, मेरे अंदर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, हमको लगा की वे भागेंगे नहीं, आज छतरी आके उनको उड़ा दिया, इसी आसमान में चले गए। हाँ एक कबूतर आया बाहर का कबूतर, जो छतरी वाले अंकल पाल रखे हैं उनका कबूतर निकल के आया था, ये अपने कबूतर खोल दिए और उड़ा दिए। दबाज वाले हमारे आप सबको पता है, वो दबाज बच्चे डायरेक्ट उस साइड निकल गए, उस कबूतर को भी ले गए, हमारे जो छतरी वाले थे उनको भी ले गए। तो दबाज जब भी उड़ते हैं, एक बार उड़ते हैं तो सीधे शाम को आते हैं, वो अपने जो छतरी वाले थे आएंगे या नहीं आएंगे। तो पैर में उड़ा गलती कर दी, छतरी पे बिठा दिए हैं, बाय चांस अगर हमारे कबूतर किधर से भी निकल के आएंगे तो इनको देख के आ जाएंगे। हम चलते हैं पानी लेके आना है, 80% चांस ऐसा लग रहा है कि नहीं आएंगे। इतनी देर होगी दिखी ना रहे, उड़ते भी नहीं थे वे, बिल्कुल नीचे नीचे ही घूमते थे, आसमान में दिखते, और गोलू बिल्कुल गुस्से में वो रखा है। इसके कुत्ते के कट निकालने और इसकी भी निकाल दूंगा। नीतीश ने ऐसी ट्रेनिंग करवा रखी है, उसने देखा झटका उसका रोक्सी के साथ लड़ गया भाई, रोक्सी के साथ टक्कर ले गया। वीडियो डाली आज मैंने, देख लियो जाकर यार, आज फाइनली वो दिन आ चुका। कमेंट कर करके बोल रहे थे कि करवाओ भाई करवाओ, रोकी वसीज नकली रोकी होने वाला है। नीतीश गया है अपने रोकी को लेने, हमारा भी वहाँ पे रेडी हो रखा है। मैं तो सोच नहीं रहता ऐसा ट्रेनिंग देगा नीतीश, यार कहीं हमारा मार तो नहीं खा जाएगा। मैं इस वाले को भी कम मत समझ कि कल इसने मेरे ऊपर अटैक करवा दिया था, ये बोलता ना नीतीश पकड़ तभी ये पकड़ने लग जाता, कल से ट्रेनिंग करवा रहा है। ओए 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 ओए। रुक जा रुक जा, सुन इसी कारण ये आज ये फाइट होने जा रही है तेरी इसी हरकतों के कारण, और तेरा घमंड निकालेंगे हम, मारेंगे इसने इसको। अभी पता चल जाएगा, रेडी बैठे हैं तेरे पुप्पा लोग, कुटी पे मैं मुतवाऊंगा तेरे इस कुत्ते ने, जाज मुत ले तेरा मुंह वहां पे निकलवाऊंगा। इसने बिठा लिया और ये बोल रहा है कि मैं चलाऊंगा स्कूटी, मेरे अलावा कोई ना चला सकता। गलत है ना, फिर तू हमने तो एक्सीडेंट करके मार देगा यार, कुत्ते स्कूटी ना संभाले। अरे तू पीछे मैं पकड़ कर देखूंगा कोई लक्ष्य रहने दे पागल, रिक्स मत ले, अरे उसे चला दे बात मान ले। ओ लक्ष्य मैं कह रहा हूँ बेखा मैं टेटनस की सुई और लगवा लेगा तू, कह रहा हूँ बेखा मैं टेटनस की सुई और लगवा लेगा तू। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ना पाड़ आराम से बैठा मेरे गाड़ी को पकड़ के रखी यार, इसे गाड़ी आ रहा है बस ये इंटक रहा है वो थोड़ा, ये बार बार गाड़ी आने लग रही है पी 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 करके मां खराब है बात जो मैं साग मार दूंगा। अरे ना काटे मत, अरे डरा कहीं नहीं लग से, तू इसे दे दे चलान की कार्ड टूट लेगा तो बड़ी दिक्कत है, और हम फिर ट्रक के नीचे आ जाएंगे इस तो दे दी तो फिर प्लॉट पे आ चुके यार। गोलू इतनी मेहनत से छतरी बना के लाया था, छतरी लाज काम होगा, वो बच्चे थे ना अपने जो गोलू छतरी वाले, हां छतरी वाले भाग गए वो चले, अरे सही में भाग गए यार पागल अभी। ओ ये देखो भाई उसको देख के, ये देखो भाई उसको देख के कितना ज्यादा एग्रेसिव होने की को, ओए रुक जा ओए
तुम अभी जिसके साथ शर्त लग रखी ना, अभी मैच होगा नीतीश के सामने, पता गोलू क्या शर्त लग रखी है, अगर ये हार गया तो ये नीतीश का जिंदगी भर के लिए गुलाम बन करेगा, ये शर्त लग रखी है, कसम से वो जीत गया तो भाई वो इसका गुलाम बन करेगा जिंदगी भर तक। मैं ऐसा बोल रहा था कुछ चटवाए चटवाएगा, पता ना क्या चटवाएगा ये तो गजब बेइज्जती है सच में चटवा। अरे कब था ना यार, वीडियो भी बना रखी है उसमें, कब था यार चटवाऊंगा कुछ ऐसा पैर दबवान की क्या होता यार, मेरे को सुनाई में थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं भाई पैर दबवा लेगा इससे, मैं उसको दबाऊंगा। टाइम बताओ, टाइम बताओ कौन, तो टाइम तो बता दिया ना, वो देख वो मुंह फेर के खड़ा हो गया, और ये देख रिलैक्स है, वो ये देख ये क्या काम साज, तो क्या लगा गोलू, ये बोलो मैं घर छोड़ा उल्टा नया एरिया भाई तू लेकर आ यार कुत्ता ना। भाई सुन ये बात मत कह, जो लड़ने वाला कुत्ता होता है ना बाहर जाकर लड़ा कर, नया एरिया ये मत बोल, सुन अब बहाने मत बना, तूने बोला था कभी भी किसी टाइम भी कहाँ पे भी, नीतीश आ रहा है वो उसके पापा के साथ कहीं गया हुआ है, तेरे को क्या लग रहा है इनमें से कौन सा जीत सके है, सच सच वो जीतता आगे लड़ाई बाद पता चलेगा, जो ही पता चलेगा, टैक करने की पोजीशन में है रोक्सी के साथ भी रोक्सी के भाई जो क्रिस्की हुई थी ना, जो दौड़े दौड़ते करवा देंगे भाई, लोग लग लग गया दिक्कत हो जाएगी, कस्सी वगैरह लिया रे रोक्सी के साथ होगी तो कस्सी वगैरह का गड्ढा गुड्डा खोद दो यार, गोलो अभी नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे नहीं चल रहे वाले ग्राउंड की तरफ लेकर चल, आज इसका कुत्ता मरेगा अपना गुलाम बनेगा अपना, और यार यहाँ से रोक्सी चालू हो गई है, ऊपर बुरी उम्मीद है, ये भी अपने भाई है ना, सब ने कमेंट कर रखा तेरे लिए कि तू जीतेगा, तुझे आज जीतना है मैदान में, जीत फतेह करनी है तुझे, आज पूरा हौसले के साथ जा रहे हैं, नीतीश पता नहीं कहाँ पे जा रखा है, ओह माय गॉड, लगता है पूरा का पूरा पाकिस्तान आज स्टेडियम में सैलाब बनकर उमड़ पड़ा है, और उधर हिंदुस्तान में भी लोगों की धड़कनें इस वक्त रफ्तार पकड़ रही होंगी, जिस चीज का आप सब लोगों को इतनी बेसब्री से इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, तो ये देखो उसको देख के भी अग्रेसिव हो गया, अरे परले भाई अपना परले बेशक चल लो अपने को की पकड़, ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ, क्यों हो गया पट्टा, रुक जा वो, रुक जा रुक जा अभी हमारे का पट्टा निकल गया, इसने अचानक से हमला कर दिया इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी, अरे अभी 2 मिनट रख जा, पट्टा डालने लग रहे हैं, अभी यहाँ पे नीतीश ना है, नीतीश इसका जो ट्रेनर है बोलता ना जब ये अटैक करता है, नीतीश पता नहीं कहाँ गायब हो रखा है, करवा रहा है रुकी यार तू पागल हो गया क्या, ऐसे क्यों भाग रहा था, क्या गुलाम बन जाएंगे हम तेरे कारण, सोने कर दे काम कर दे, आ जा भाई सडर का भागा, सोने कुत्ते कुत्ते को फेस टू फेस ला, कुत्ते को ला भाई, मेका को रोकी ना गले का थोड़ा सा, तू वहाँ पे खड़ा तू क्यों अलग रहा यार, करवागा के यार तू खड़ा रहा अपने वो देख, अरे तू आके जा तू वोटर का भाग लग रहा, इंसान सोच के यार लेकर आ रहा आगे, जो कि अब लग से समान है अलग से चल पकड़, यार लग से ऐसे करवाएगा दरवाजा के, चल फिर से ए यार यू आर पट्टा ना हो रहा भाई काम का यार, अरे इसका बस की है यार भाई कुत्ता हो ना भाई, सीधी कह जा सीधा कर भाई, अरे यार वो नीतीश ना है ना तो ना नीतीश ना है यार, इसका बस की ना भाई, आ जाओ यार क्या बताऊं मैं यार, शर्त के मंजूर है भाई शर्त, वो जो जिसके साथ शर्त लगाई उसको तो आलेट दे, जो मैं जिसका ट्रेनर हूं रोक्सी वाले का हूं, तू रोक्सी ना लिए का जा, रोक्सी ना लिया जा रोक्सी, अरे क्यों मरवावा है इसको, क्यों मरवावा है इसको, ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, देखेंगे हम ईशा में करवाऊंगा जो उसकी करवाई थी, इसने अभी रोक्सी से हटा के मेरे साथ शर्त लगा लिया, रोक्सी वर्सेस क्या नाम था इसका, रोकी, इन दोनों की होने वाली है मुकाबला, अरे भाई हो चुके इंटरेस्टेड, क्या लग रहा भाई कैसा लगेगा मुकाबला, मस्त लगेगा, मस्त लग, हो जाएगा तगड़ा मुकाबला, टिकट इकट्ठी कर लो इस मैच की जितनी हो सके, बेशक मर्जी पर मैदान नहीं छोड़ दिए, इतनी हो जाएगी इतने मालिक की इज्जत तो बात आज